हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर 15 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों ने पार्ट वन वॉच नहीं किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, फुल मॉक टेस्ट है, 125 MCQs इंक्लूड किए गए हैं। यदि सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सेशन को शेयर करें, सपोर्ट करें। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 65 तक सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में 66 से लेकर के 125 तक सॉल्व करेंगे। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आई नो एवरीबॉडी, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है आई नो एवरीबॉडी, तो ऑप्शन ए राइट है, वी राइट है, सी राइट है या ऑप्शन डी राइट है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 1। आई नो एवरीबॉडी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एवरीबॉडी, अकॉर्डिंग टू एवरीबॉडी हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, नो का थर्ड फॉर्म नॉन हो जाएगा, टू मी। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एवरीबॉडी इज नॉन टू मी। ऑप्शन डी जो है राइट है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द एरर पार्ट। एरर से संबंधित क्वेश्चन है, एरर फाइंड आउट करना है। नोबडी कैन डिनाई दैट गांधीज आइडियाज आर डिफरेंट देन लेनिन्स, नो एरर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 67। किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी नो एरर है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली, यहाँ पर पार्ट सी में एरर है। डिफरेंट के बाद प्रेपोजिशन देन नहीं, टू आएगा। डिफरेंट फ्रॉम, फ्रेंड्स वंस अगेन डिफरेंट फ्रॉम होता है। ओके, यहाँ पर देन के स्थान पर फ्रॉम आएगा, ध्यान दीजिए। डिफरेंट फ्रॉम होता है, इनडिफरेंट टू होता है। ओके, इनडिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन टू यूज होगा, डिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 67 में पार्ट सी में रहे, देन के स्थान पर यहाँ फ्रॉम यूज होगा। ओके, सी इज द राइट आंसर, गॉट इट? ध्यान रखिएगा, इनडिफरेंट टू डिफरेंट फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी ऑन स्टरडे व्हेन आई वॉज अवे फ्रॉम होम, नो एरर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी नो एरर है? क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट विल बी द राइट आंसर? पार्ट बी में एरर है, बी इज द राइट आंसर। स्टरडे के पहले आन का यूज नहीं होगा, आन यहाँ पर क्या है? सुपरफ्लूअस है, यहाँ पर आन का यूज नहीं किया जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड आउट एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द प्रिंसिपल एलॉन्ग विद द टीचर्स आर कमिंग एट माई होम टूडे, नो एरर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, डी या फिर नो एरर है? क्वेश्चन नंबर 69,
द प्रिंसिपल एलॉन्ग विद द टीचर्स आर कमिंग एट माई होम टूडे। वंस अगेन पार्ट बी में इधर रहे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, यहाँ पर जो वर्ब आएगी आर के स्थान पर इज। ओके, कोई भी सेंटेंस है जो सब्जेक्ट एज वेल एज, एलॉन्ग विथ या विथ से जुड़ा होता है, तो हमेशा जो वर्ब आती है फर्स्ट नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आर के स्थान पर इज होगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट इदर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीदर रामू नॉर हिज फ्रेंड्स हैज कम टू स्कूल टूडे, नो इरर। पार्ट ए में इरर है, बी में इरर है, सी में इरर है या डी नो इरर है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 70। वंस अगेन पार्ट बी में इरर है, जब भी सेंटेंस नीदर नीदर नॉर, ओके नीदर नॉर से सेंटेंस स्टार्टिंग होगी। जब भी कंजक्शन नीदर नॉर आएगा तो आप लोगों को ध्यान देना है, वर्ब हमेशा नज़दीकी वाली नाउन के अनुसार लगेगी। ओके नीदर नॉर, तो जो भी नॉर के बाद नाउन प्रोनाउन लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को वर्ब लगाना है। तो यहाँ पर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हैज, हैज के स्थान पर क्या हो जाएगा, हैव। ओके पार्ट बी मिरर है, बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा नीदर नॉर से सेंटेंस आएगा तो हमेशा आप लोगों को ध्यान देना है नॉर के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन लिखा रहेगा अकॉर्डिंग उसी के वर्ब यूज करना है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कनोसियर की स्पेलिंग राइट है, आर्टनरी की स्पेलिंग राइट है, सेपरेशन की स्पेलिंग राइट है, निमोनिया की स्पेलिंग राइट है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, राइट स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन ए बी सी डी। यहाँ पर जो राइट स्पेलिंग है निमोनिया की है, डी इज द राइट आंसर। कनोसियर की स्पेलिंग सी ओ डबल एन ओ आई डबल एस ई यू आर। ओके आइटनरी की आई टी आई एन ई आर ए आर वाई। सेपरेशन एस ई पी ए आर ए टी आई ओ एन। ओके ऑप्शन डी जो राइट है। ओके नेक्स्ट, फाइंड आउट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, डिफरेंशियल की स्पेलिंग रॉन्ग है, कॉन्सोनेंटल की स्पेलिंग रॉन्ग है, बॉर्जियस की स्पेलिंग रॉन्ग है, वारंटी की स्पेलिंग रॉन्ग है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, ध्यान रहे यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 72। डिफरेंशियल की स्पेलिंग राइट है, कॉन्सोनेंटल की स्पेलिंग राइट है, बॉर्जियस की स्पेलिंग राइट है, यहाँ पर जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो है वारंटी। ओके डब्ल्यू ए डबल आर ए एन टी वाई, ध्यान दीजिए इसमें डबल ए नहीं रहेगा, वाई रहेगा। ओके ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वारंटी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा गारंटी की राइट स्पेलिंग क्या होगी।
हु कॉल्ड, हु कॉल्ड मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। किसने मिल्टन को पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा है? विलियम ब्लेक, बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडेन, डॉक्टर जॉनसन। जॉन मिल्टन को पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर किसने कहा? विलियम ब्लेक, बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडेन, डॉक्टर जॉनसन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 73। फ्रेंड्स, जॉन ड्राइडेन इज द राइट आंसर। जॉन ड्राइडेन ने मिल्टन को पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का सिनोनिम बताना है। इस्टीम्ड होगा, कॉमन होगा, जर्नल होगा, ऑब्सक्यूर होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 74। प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मीन्स होता है सम्मान, सम्मान या सम्मानित। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इस्टीम्ड हो जाएगा। प्रेस्टिजियस का जो सिनोनिम होगा इस्टीम्ड होगा। ओके, नेक्स्ट, फ्रेंच वर्ड वर्स लिबरे मीन्स। जो फ्रेंच वर्ड है वर्स लिबरे, उसकी मीनिंग क्या होती है? ब्लैंक वर्स लिरिक, फ्री वर्स लाइन, पोएट्स। रिस्पॉन्स इमीडिएटली वर्स लिबरे या फ्री वर्स लाइन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्स लिबरे को फ्री वर्स बोलते हैं, इसमें नो राइम, नो मीटर। ओके, वर्स लिबरे में नो राइम, नो मीटर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्लैंक वर्स में मीटर होता है, राइम नहीं होते। आयम्बिक पेंटामीटर। ओके, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर को ब्लैंक वर्स कहते हैं। ब्लैंक वर्स में मीटर होगा बट राइम नहीं होगी। नेक्स्ट, द राइमिंग स्कीम ऑफ एनी टू टर्सेट्स वुड बी। किसी भी टू टर्सेट की राइमिंग स्कीम क्या होगी? ऑप्शन ए वी सी डी। टर्सेट थ्री लाइन स्टेंजा, थ्री लाइन स्टेंजा। ओके, थ्री लाइन स्टेंजा को टर्सेट कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए वी ए बी सी बी। ओके, टर्सेट की राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी? ए वी ए बी सी बी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज टर्जाराइमा? टर्जाराइमा क्या है? टर्जाराइमा इज एन एंड स्टॉप थ्री लाइन्स स्टेंजा। टर्जाराइमा इज थ्री लाइन स्टेंजा ऑफ राइमिंग लाइन्स, या ऑप्शन सी टर्जाराइमा इज फोर लाइन स्टेंजा, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। रिस्पॉन्स इमीडिएटली टर्जाराइमा के विषय में कौन सा स्टेटमेंट राइट है? ऑप्शन ए वी सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टर्जाराइमा इज थ्री लाइन स्टेंजा ऑफ राइमिंग लाइंस। ओके, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वन टू यूज सोनेट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले सोनेट किसने यूज किया?
विलियम शेक्सपियर, पेट्रार्क, जॉन मिल्टन, सर थॉमस वेट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 78। हु वॉज द फर्स्ट वन टू यूज सॉनेट इन इंग्लैंड? 14 lines पोएम को सॉनेट कहा जाता है। ओके, सॉनेट का जो बर्थ प्लेस है इटली है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सर थॉमस वेट। ओके, स्पेशली सॉनेट टू टाइप्स होती है, ध्यान रखिएगा, पेट्रार्कन सॉनेट, शेक्सपियरियन सॉनेट। पेट्रार्कन सॉनेट दो भाग में बटी होती है, ऑक्टेव सस्टेन, 8 line स्टेंजा को ऑक्टेव, 6 line स्टेंजा को सस्टेन। शेक्सपियरियन सॉनेट 3/4 1 कपलेट। ओके, नेक्स्ट, द फॉर्म्स ऑफ ओड्स, ओड्स के कौन से फॉर्म हैं? ऑप्शन ए पिंडारिक, होरेशियन, इरेगुलर ओड, या ऑप्शन बी रेगुलर एंड होरेशियन, या ऑप्शन सी पिंडारिक एंड जोकोबियन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। रेस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 79, फॉर्म्स ऑफ ओड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड, इरेगुलर ओड। ओके, ये 3 types ओड होते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पिंडारिक ओड को पिंडार ने ओरिजिनेट किया, होरेशियन को होरेश ने। ओके, व्हाट इज क्लोसेट ड्रामा, क्लोसेट ड्रामा क्या है? ड्रामा टू बी एक्टेड इन ओपन, ड्रामा टू बी रीड, ड्रामा टू बी एक्टेड इनडोर, ड्रामा टू बी परफॉर्म इन स्टेट्स। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 80। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्लोसेट ड्रामा। क्लोसेट ड्रामा जो होता है वो ड्रामा परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता है, ओनली रीड के लिए, पढ़ने के उद्देश्य के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ड्रामा टू बी रीड। ओके, बी इज द राइट आंसर। ऑटोबायोग्राफी मीन्स, ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या है? कौन सा स्टेटमेंट ऑटोबायोग्राफी के विषय में राइट है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग्स, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन क्रिएटेड इन पेंटिंग बाय हिमसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी के विषय में कौन सा स्टेटमेंट राइट है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 81, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, समवन एल्स आएगा तो ये हो जाएगा बायोग्राफी, बायोग्राफी। ओके, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ओके, समवन एल्स लगा होगा तो बायोग्राफी होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलिटेरियन नोबेल, प्रोलिटेरियन नोबेल की थीम क्या होगी? ओके, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, वॉरियर्स, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। इजी वन क्वेश्चन है, आप लोग जवाब करें। व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलिटेरियन नोबेल? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वर्किंग क्लास हो जाएगा।
नेक्स्ट, डेन्यूमोंग इज रिलेटेड टू एन एसे, प्ले, लिरिक, सॉनेट। डेन्यूमोंग किससे संबंधित है? एसे से, प्ले से, लिरिक से, सॉनेट से? रेस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 83। वाट विल बी द राइट आंसर? डेन्यूमोंग की स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, ओके, डी ई एन ओ यू ई एम ई एन टी, डेन्यूमोंग, ओके। डेन्यूमोंग जो है प्ले से रिलेटेड है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वाट इज कथारसिस? कथारसिस क्या है? इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, इज रिलेटेड टू कॉमेडी, इज रिलेटेड टू सॉनेट, इज रिलेटेड टू फार्स। कथारसिस किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ट्रेजेडी, कॉमेडी, सॉनेट, फार्स। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 84। कथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कथारसिस जो है ट्रेजेडी से संबंधित है। नेक्स्ट, ही रिजेंबल्स दैट एनिमल्स दैट बारोज ऑन थिशल इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉटोलॉजी, पेरिफ्रेसिस, ऑक्सीमोरॉन, लैटुटीज। एबव स्टेटमेंट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? आप लोग जवाब करें। ही रिजेंबल्स दैट एनिमल दैट बारोज ऑन थिशल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफ्रेसिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वाट डज द टर्म कर्टन राइजर, ये जो टर्म है कर्टन राइजर, इंडिकेट इन ड्रामा, ड्रामा में कर्टन राइजर की क्या भूमिका है? वन हु राइजेस कर्टेंस, अ मॉडर्न ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर, सुपर नेचुरल एजेंसी इन ड्रामा व्हिच रिवील्ड सम ट्रूथ, अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 86। व्हाट इज कर्टन राइजर? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कर्टन राइजर क्या होता है? अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। मेन प्ले से पहले शॉर्ट प्ले परफॉर्म किया जाता है, उसी को कर्टन राइजर कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। असजौरा मीन्स पॉज, सिलेबल, स्ट्रेन, एसेंट। सिजौरा क्या है? पॉज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज सोलिलॉक्वी? सोलिलॉक्वी क्या है? एंड एक्टर सेक्रेट थॉट अटर्ड लाउड, या ऑप्शन बी सेक्रेट स्पीच, या ऑप्शन सी एन एक्टर्स स्पीच नॉट टू बी हियर्ड बाय ऑडियंस, या ऑप्शन डी एक्टर्स स्पीच मेंट फॉर अदर्स कैरेक्टर। सोलिलॉक्वी के विषय में कौन सा स्टेटमेंट राइट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। रेस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 88। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु सेड क्लासिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज? किसने कहा है क्लासिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज? विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, गेटे, बायरन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जवाब करें।
गेटे इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्लासिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज अ डिसीज, गेटे ने कहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन इन, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब प्रारंभ हुई, ऑप्शन ए 1789, 1889, 1785, 1782। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में प्रारंभ हुई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रोमांटिसिज्म, द मॉर्निंग स्टार ऑफ क्लासिसिज्म। जॉन वाइक्लिफ क्या कहे जाते हैं, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशंस, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रोमांटिसिज्म, द मॉर्निंग स्टार ऑफ क्लासिसिज्म। रेस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 91, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जॉन वाइक्लिफ द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहे जाते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु पॉपुलराइज द टर्म लॉस्ट जनरेशन, लॉस्ट जनरेशन को किसने पॉपुलराइज किया, हेमिंगवे, फॉल्कनर, डीजे रोसेट्टी, विक्टर ह्यूगो। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, बीट राइटर 1950। ओके, इस सत्र याद रखिएगा, हेमिंगवे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ द वर्ड एमनेस्टी, एमनेस्टी का सिनोनिम देना है, इलोक्वेंस, पार्डन, एक्वेटिकल, वॉलेंटियर। रेस्पॉन्स इमीडिएटली, व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एमनेस्टी, एमनेस्टी का सिनोनिम क्या होगा, इलोक्वेंस होगा, पार्डन होगा, एक्वेटिकल होगा, वॉलेंटियर होगा। रेस्पॉन्स इमीडिएटली, एमनेस्टी मीन्स होता है माफ कर देना, माफ करना या क्षमा करना। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पार्डन। पार्डन मीन्स भी होता है माफ करना या क्षमा करना। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ द वर्ड बैनल, बैनल का सिनोनिम देना है, कॉमन होगा, फॉरबिडन होगा, जेनियल होगा, एक्सेंट्रिक होगा। व्हाट इज बैनल, कॉमन, फॉरबिडन, जेनियल, एक्सेंट्रिक। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 94, बैनल मीन्स होता है साधारण। ओके, कॉमन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्ट, जिसको करेक्ट न किया जा सके, कॉर्जिबल, इनकॉर्जिबल, ल्यूमिनस, स्टोइक। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 95, जिसको करेक्ट न किया जा सके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इनकॉर्जिबल। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वन हु इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, फिलिस्टाइन, स्टोइक, सार्लेटन, फिलैंथ्रोपिस्ट। रेस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट विल बी द राइट आंसर। वन हु इन डिफरेंट टू प्लेजर एंड फेन, फिलिस्टाइन होगा, स्टोइक होगा,
शार्लेटन होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 96। रेस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 96। स्टोइक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वन हु इंडिफरेंट टू, ओके इंडिफरेंट टू, इंडिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, ध्यान रखिएगा। प्लेजर एंड पेन, जब प्लेजर एंड पेन होगा तो आंसर स्टोइक होगा। यहीं पर कर दिया जाए आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट एंड लिटरेचर, ओके यही क्वेश्चन आ जाए। वन हु इंडिफरेंट आर्ट एंड लिटरेचर, तब आंसर आपका क्या हो जाएगा, फिलिस्टाइन हो जाएगा, ओके ध्यान रखिएगा। लिटरल मीनिंग ऑफ हमार्शिया, हमार्शिया के लिटरल मीनिंग क्या होगी, टू मिस द मार्क, प्रोगेशन ऑफ इमोशन, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, ट्रेजिक फ्लॉ। रेस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 97। हमार्शिया, हमार्शिया के जो लिटरल मीनिंग होगी वो ऑप्शन ए हो जाएगा, टू मिस द मार्क, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साउंड ऑफ जेबरा, जेबरा के साउंड को क्या कहते हैं, क्रॉक, ब्लीट, हाउल, व्रे। साउंड ऑफ जेबरा, रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 98। साउंड ऑफ जेबरा हो जाएगा ब्लीट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। क्रो के मेढक की आवाज़ है, हाउल जेकॉल की आवाज़ है, ब्रे डंकी की आवाज़ है, ओके ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्रो साउंड ऑफ फ्रॉग, हाउल साउंड ऑफ जेकॉल, ब्रे साउंड ऑफ डंकी, ओके नेक्स्ट। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वाज पब्लिश्ड इन 1906, 1909, 1908, 1920। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी कब पब्लिश हुआ, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी एक गार्ल्स वर्दी का वर्क है, ओके 1906 में आता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100। गार्ल्स वर्दीज आइडियाज एंड ड्रामा आर फाउंड इन द फोर्टनाइट सागा, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, द मॉडर्न कॉमेडी, ऑल ऑफ द अबव। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बट इजी। गार्ल्स वर्दीज आइडियाज एंड ड्रामा आर फाउंड इन फोरसाइट सागा होगा, दाइन ऑफ ट्रैंक्विलिटी होगा, मॉडर्न कॉमेडी होगा, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। मॉडर्न कॉमेडी 1929 में आती है, यहाँ पर जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। गर्ल्स वर्दीज आइडियाज एंड ड्रामा आर फाउंड इन द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द वर्ड न्यूली क्वेंड इज नोन एज,
मॉडर्न, न्यूलोजम, क्वारिज्म, न्योफाइट। रेस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 101। द वर्ड न्यूली क्वाइंड इज नोन एज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्योलिज्म। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग यूनिवर्सिटी बिट्स। यूनिवर्सिटी बिट्स से कौन बिलोंग नहीं करता है? जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीने, मार्लो, वेन जॉनसन। रेस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 102। यूनिवर्सिटी बिट में कौन कौन से पोएट आएंगे? ध्यान रखिएगा, जॉन लिली आएंगे, रॉबर्ट ग्रीन आएंगे, मार्लो आएंगे, थॉमस लॉज, फिर कौन आएंगे? लॉज, थॉमस लॉज आएंगे, ओके, थॉमस नैसे आएंगे, ओके, किड आएंगे, KYD किड, ओके, लिली, ग्रीने, मार्लो, थॉमस लॉज, थॉमस किड, थॉमस नैसे, ओके। यहाँ पर जो बिलोंग नहीं करते हैं वो हैं बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जो है यूनिवर्सिटी बिट से बिलोंग नहीं करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ विलियम शेक्सपियर। कौन सा वर्क जो है विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है? ऑप्शन ए मच अडू अबाउट नथिंग, या ऑप्शन बी टेम्पेस्ट, या ऑप्शन सी विंटर्स टेल, या ऑप्शन डी सिम्बेलीन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रिस्पॉन्स करें। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, फिर डी होगा। कौन सा वर्क है जो विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मच अडू अबाउट नथिंग। टेम्पेस्ट लास्ट फेज से बिलोंग करेगा, विंटर टेल्स लास्ट फेज से बिलोंग करेगा, सिम्बेलीन लास्ट फेज से बिलोंग करेगा। फ्रेंड्स, टेम्पेस्ट जो है सबसे लास्ट वर्क है, इसी वर्क को स्वान सॉन्ग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, स्वान सॉन्ग, ओके। टेम्पेस्ट को ही स्वान सॉन्ग कहा जाता है, टेम्पेस्ट को ही मास कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। टेम्पेस्ट क्या है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक मास्क है। टेम्पेस्ट क्या है? विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग है, ओके। टेम्पेस्ट क्या है? ट्रेजिक कॉमेडी है। फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखना है, विलियम शेक्सपियर के जो भी लास्ट वर्क हैं, टेम्पेस्ट, विंटर टेल्स, सिम्बेलीन, ये सभी ड्रामेटिक रोमांसेज हैं, ये सभी ट्रेजिक कॉमेडी हैं। इन सभी का जो एंड हुआ है हारमनी में हुआ है, ओके, हारमनी, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। टेम्पेस्ट, विंटर टेल्स, सिम्बेलीन, ये तीन जो वर्क हैं विलियम शेक्सपियर के ड्रामेटिक रोमांसेज हैं, ओके, इनका जो एंड हुआ है हारमनी में हुआ है, ओके। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मच अडू अबाउट नथिंग। नेक्स्ट, इवनिंग प्रेयर इन द चर्च। चर्च में इवनिंग प्रेयर को क्या कहते हैं? वेस्पर, मैटिन्स, अबोट, नन ऑफ द एबव। रेस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 104। इवनिंग प्रेयर इन द चर्च, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये क्या है? मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च, मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च, ओके। वेस्पर क्या है? इवनिंग प्रेयर इन द चर्च, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
द सिल्वर बॉक्स इज वन एक्ट प्ले, थ्री एक्ट कॉमेडी, टू एक्ट प्ले, थ्री एक्ट प्ले। रिस्पॉन्स इमिडिएटली द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स जो है गार्ल्स वर्दी का फर्स्ट प्ले है, फर्स्ट प्ले है, 1906 में आता है, ये थ्री एक्ट कॉमेडी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिल्वर बॉक्स। ध्यान रखिएगा थ्री एक्ट कॉमेडी है, 1906 में ये आता है, गार्ल्स वर्दी का फर्स्ट प्ले है, ये भी ध्यान रखना है, फर्स्ट प्ले बाई जॉन गार्ल्स वर्दी। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, थ्री एक्ट कॉमेडी है, ध्यान रखिएगा। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ओपन ऑल द डोअर्स, ऑप्शन ए लेट बी ऑल द डोअर्स ओपेंड, लेट द डोअर्स बी ऑल ओपेंड, या ऑप्शन सी लेट ऑल द डोअर्स बी ओपन, या ऑप्शन डी लेट द लेट ऑल द डोअर्स बी ओपेंड। ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी राइट या फिर डी राइट है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 106, ओपन ऑल द डोअर्स, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। डी इज द राइट आंसर, ओपन ऑल द डोअर्स, लेट ऑल द डोअर्स बी ओपेंड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, फिल इन द ब्लैंक, ही चार्ज मर्डर ऑफ विथ फ्रॉम फॉर, चार्ज के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, ऑफ आएगा, विथ आएगा, फ्रॉम आएगा, फॉर आएगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, चार्ज के साथ प्रेपोजिशन विथ आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्यूज के साथ ऑफ आएगा, एक्विट के साथ ऑफ आएगा, बट चार्ज के साथ प्रेपोजिशन ऑलवेज विथ ही आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अल्कोहल इज इंजूरियस डैश हेल्थ, फॉर हेल्थ, टू हेल्थ, फ्रॉम हेल्थ, इन हेल्थ। इंजूरियस के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, फॉर आएगा, टू आएगा, फ्रॉम आएगा, इन आएगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 108, इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस के बाद प्रेपोजिशन टू आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ही इज ट्रू डैश हिज किंग, ट्रू फॉर, ट्रू टू, ट्रू विथ, ट्रू ऑन। ट्रू के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, फॉर आएगा, टू आएगा, विथ आएगा, ऑन आएगा। रेस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 109, ही इज ट्रू, ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रू टू हिज किंग, यहां पर टू प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ही इज ट्रू टू हिज किंग। ओके, नेक्स्ट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द ऑफिसर सेड टू द टाइपिस्ट, टाइप दिस लेटर इमीडिएटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ऑफिसर सेड टू द टाइपिस्ट, टाइप दिस लेटर इमीडिएटली। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। डी में नन ऑफ दीज है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, ए बी सी से आप लोग रिस्पॉन्स करें। द ऑफिसर सेड टू द टाइपिस्ट, टाइप दिस लेटर इमीडिएटली। इजी वन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑफिसर ने कहा है टाइपिस्ट से, तो यानी ऑर्डर लगेगा, टोल्ड नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में ऑर्डर है, हो सकता है। ऑप्शन सी में सेड है, नहीं होगा।
यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द टाइपिस्ट टू टाइप दैट लेटर इमीडिएटली। ओके, दिस चेंज इन टू दैट। ओके, गॉट इट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ही सेड व्हाट अ गुड अपॉर्चुनिटी, चेंज इन टू इनडायरेक्ट स्पीच। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। रेस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 111, ही सेड व्हाट अ गुड अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन बी में टोल्ड है नहीं होगा, सी में आस्क्ड है नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ही क्लेम्ड दैट इट वॉज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्रीज द पाम, ये ईडियम है, इस ईडियम की मीनिंग क्या होगी? टू ब्राइब, टेक टू रिवेंज, टेक टू रेस्ट, रैंसम। रेस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 112, ग्रीज द पाम, हथेली गर्म करना यानी रिश्वत देना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ग्रीज द पाम की राइट मीनिंग क्या हो जाएगी? टू ब्राइब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टू पे ओल्ड स्कोर, टू पे ओल्ड स्कोर की मीनिंग क्या होगी? टू पे द ओल्ड मनी, टू पे द रैंसम, टेक रिवेंज, टू मेक फ्रेंड्स। ये ईडियम है, टू पे ओल्ड स्कोर, इसकी मीनिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। रेस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट विल बी द राइट आंसर। टू पे ओल्ड स्कोर मीन्स होता है बदला लेना, टेक रिवेंज सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोमन प्ले, कौन सा रोमन प्ले नहीं है? जूलियस सीजर नहीं है, एंटोनियन क्लियोपेट्रा नहीं है, कोरियोलेनस नहीं है, टेम्पेस्ट नहीं है। रेस्पॉन्स इमीडिएटली। विलियम शेक्सपियर के जो रोमन प्लेस हैं उनका जो सोर्स है प्लूटार्क लाइव्स है, भी ध्यान रखना, प्लूटार्क्स लाइव्स। ओके, जूलियस सीजर रोमन प्ले है, एंटोनियन क्लियोपेट्रा रोमन प्ले है, कोरियोलेनस रोमन प्ले है। ओके, इसके लिए आप लोग याद रखना, जैक, जे ए सी, जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस। ओके, टेम्पेस्ट जो है ये रोमन प्ले नहीं है, ये क्या है? ट्रेजिक कॉमेडी है, विलियम शेक्सपियर का मास्क है, सबसे लास्ट वर्क है, ये स्वान सॉन्ग है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट की सबसे शॉर्टेस्ट बुक कौन सी है? बुक 8, बुक 7, बुक 11, बुक 12। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। बुक नंबर 9, बुक नंबर 7। ओके, बुक नंबर 9 जो है लॉन्गेस्ट बुक है, बुक नंबर 7 शॉर्टेस्ट बुक है। ओके, पैराडाइज लॉस्ट जो है 1665 में कंप्लीट होता है, 1667 में पब्लिश होता है। ओके, जब 1667 पब्लिश होता है उस समय टोटल बुक्स की संख्या 10 थी, फिर इसका फाइनल वर्जन आता है 1674 में। तो बुक नंबर 9 को, बुक नंबर 7 को
अलग करके दो बुक्स और बनाई जाती हैं। तब उस समय बुक्स की संख्या वर्तमान समय में 12 है। ओके, तो शॉर्टेस्ट बुक 7, यस से शॉर्टेस्ट, यस से 7, ध्यान रखिएगा, यस फॉर शॉर्टेस्ट बुक, यस फॉर 7। ओके, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बुक नंबर 7 जो है शॉर्टेस्ट बुक है। नेक्स्ट, लिटिल वी सीन द नेचर दैट इज आवर, अबव लाइन टेकन फ्रॉम, ए लाइन कहाँ से ली गई हैं, टिंटरनबे, द प्रल्यूट, डेफोडिल्स, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, टिंटरनबे लिरिकल बैलाड्स की लास्ट पोएम है। ये पोएम 13 जुलाई 1798 में आती है। प्रल्यूट 1805 में कंप्लीट होता है, 1850 में पब्लिश होता है पोस्थमसली इनकी मृत्यु के बाद, बाय हिज वाइफ मैरी हचिनसन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब प्रल्यूट को लिखा तब इसको कोई टाइटल नहीं दिया, सिर्फ इसको पोएम टू कॉलरिज कहा था। क्या कहा था? पोएम टू कॉलरिज। ओके, द प्रल्यूट जो टाइटल है मैरी हचिनसन जी के द्वारा दिया गया, मैरी हचिनसन ने इसका सब टाइटल रखा द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ओके, द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। डेफोडिल्स पोएम इन टू वॉल्यूम्स में पोएम आती है। पोएम इन टू वॉल्यूम्स कब आता है? 1807। पोएम इन टू वॉल्यूम्स करके एडिशन आता है। इस एडिशन में विलियम वर्ड्सवर्थ जी की बहुत सी पोएम पब्लिश होती हैं। एबव जो लाइन है, लिटिल वी सी नेचर दैट इज आवर, ए जो लाइन है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइन है, ए भी जो पोएम है 1807 में आती है। ओके, इसका जो जॉनरा है सॉनेट है, ध्यान रखिएगा सॉनेट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, एबव लाइन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which of the following is not pastoral algae? कौन सा pastoral algae नहीं है? Lycidas, Edonais, Thersis, Labeldem, Sense Mercy। कौन सा वर्ग pastoral algae नहीं है? Lycidas है, Edonais है, Thersis है, Labeldem, Sense Mercy ये नहीं है, ये क्या है? Bilad है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चेंज इन टू पैसिव वॉइस, हु टीच्स यू हिंदी, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 118। हु टीच यू हिंदी, हु का हो जाएगा बाई हुम, बाई हुम के बाद सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आर लगेगा, आर के बाद यू हो जाएगा, मैच कर लीजिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाई हुम आर यू टॉट हिंदी। ओके, ऑप्शन ए जो है राइट है। नेक्स्ट, फाइंड आउट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, क्वेश्चनेयर की स्पेलिंग रॉन्ग है, रिकॉन्सेंस की स्पेलिंग रॉन्ग है, रिहर्सल की स्पेलिंग रॉन्ग है, रिटरिक की स्पेलिंग रॉन्ग है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 119, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्वेश्चनेयर की स्पेलिंग राइट है, ध्यान दीजिए इसमें डबल एन आएगा। रिकॉन्सेंस की स्पेलिंग राइट है, इसमें डबल एन डबल एस आएगा। रिहर्सल की स्पेलिंग राइट है, यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो है रिटरिक है। ओके, आर एच ई टी ओ आर आई सी,
ये राइट स्पेलिंग होगी रिट्रिक की, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट। ही टोल्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम, यहां पर प्रॉब्लम क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में ये प्रॉब्लम क्या है? यहां पर नाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है? रेस्पॉन्स इमीडिएटली। ही टोल्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम, वाट इज प्रॉब्लम हियर? नाउन, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन? रेस्पॉन्स इमीडिएटली। यहां पर नाउन है, एज द राइट आंसर। सी इज टू टायर्ड टू मूव अबाउट, यहां पर अबाउट क्या है? मूव अबाउट। वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सी इज टू टायर्ड टू मूव अबाउट, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन? अबाउट क्या है? रेस्पॉन्स इमीडिएटली। वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है? मूव अबाउट। मूव क्या है? एज अ वर्ब। अबाउट क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्ब को कौन मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब करेगा ना, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। ही इज द ओनली पर्सन इन द रूम, यहां पर ओनली क्या है? ही इज द ओनली पर्सन इन द रूम, यहाँ पर ओनली क्या है? कंजक्शन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है? रेस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 122। पर्सन क्या है? पर्सन यहाँ पर क्या है? नाउन है। ओनली पर्सन को मॉडिफाई कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ही इज द ओनली पर्सन इन द रूम, एडजेक्टिव इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट। अ पुलिसमैन रेस्क्यूड द चाइल्ड डैश डेंजर, फॉर डेंजर, फ्रॉम डेंजर, टू डेंजर, इन डेंजर? रेस्क्यू के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? फॉर आएगा, फ्रॉम आएगा, टू आएगा, इन आएगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। अ पुलिसमैन रेस्क्यू द चाइल्ड फ्रॉम डेंजर, यहां पर फ्रॉम आएगा, रेस्क्यू फ्रॉम होता है। ओके देख लीजिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट। टेम्परेंस एंड एम्प्लॉयमेंट आर कंडीशिव डैश हेल्थ, फॉर हेल्थ, टू हेल्थ, फ्रॉम हेल्थ, इन हेल्थ? टेम्परेंस एंड एम्प्लॉयमेंट आर कंडीशिव हेल्थ। कंडीशिव के बाद प्रेपोजिशन फॉर आएगा, टू आएगा, फ्रॉम आएगा, इन आएगा, क्या आएगा? रेस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 124। कंडीशिव टू होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टेम्परेंस एंड एम्प्लॉयमेंट आर कंड्यूसिव टू हेल्थ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, लास्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है? द प्रल्यूड नहीं है, स्कर्सन नहीं है, मिल्टन नहीं है, टू मिल्टन नहीं है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 125। टू मिल्टन का सब टाइटल है लंदन 1802, स्कर्सन 1814, प्रेल्यूड 1850। ओके प्रेल्यूड का सब टाइटल है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब इस वर्क को लिखा तो इसे पोएम टू कॉलरिज कहा था। यहाँ पर मिल्टन नाम का वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है, मिल्टन नाम का वर्क किसका है?
विलियम ब्लैक का है, विलियम ब्लैक। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी रही? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। यदि क्लास अच्छी रही है, सेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।